सिंगरौली में शक्तिनगर सीएसआर संजीवनी चिकित्सालय एवं वनिता समाज के सामंजस्य से समाज कल्याण के लिए निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर 8 से 10 जनवरी तक चलाया गया। इस शिविर के दौरान लगभग 250 मरीजों के नेत्र का सफल ऑपरेशन किया गया। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर के सीएसआर संजीवनी चिकित्सालय एवं वनिता समाज के सामंजस्य से समाज कल्याण के लिए आसपास के ग्रामीण जनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर संजीवनी अस्पताल में आयोजित किया गया। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जाँच शिविर में 8 जनवरी को 493 ग्रामीण जनों का पंजीकरण किया गया था, जिसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा 151 मरीजों के नेत्र का सफल ऑपरेशन किया गया। शिविर में भर्ती किए गए मरीजों को निःशुल्क दवा, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन, निःशुल्क आवासीय सुविधा व ऑपरेशन के बाद निःशुल्क दवा एवं चश्मा भी प्रदान किया गया। वनिता समाज द्वारा नेत्र चिकित्सा के मरीजों को कंबल एवं बर्तन भी वितरित किए गए। एनटीपीसी सिंगरौली सीएसआर का तरफ ये मोतियाबिंद का कैंप आयोजन किया गया है। इसमें लाइन्स एंड आईसाइट मिर्जापुर का डॉक्टर आर के दुआ एंड इनका सन और एनटीपीसी का डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है। सीएसआर का तरफ ये जो कैंप किया है, इसमें लगभग 300 पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है और ये हमारा लिए बड़ा उपलब्धि है। हम लोग इंडिया में ये बोला जाता है 1.2 करोड़ ब्लाइंड पीपल है। ये 1.2 करोड़ ब्लाइंड पीपल में 80 लाख ब्लाइंड पीपल है जो मोतियाबिंद के कारण ब्लाइंड है। एनटीपीसी इस कार्यक्रम में योगदान करके एक बड़ा इंडिया का जो समस्या है ये साधन करने का कोशिश कर रहा है। इसमें हमारा जो वनिता समाज है वो भी योगदान दिया है एंड सीएसआर का तरफ ये काम हो रहा है। सर जी, हम जगजननी ज्वालामुखी जी के स्थान से आए हैं, वहीं रहते भी हैं और यहाँ का सर जितना भी व्यवस्था है सर एक नंबर का है। सर हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तान में टॉप है। हम अपने मुख से जितना भी सर बोल रहे हैं बहुत कम ही होगा सर। इतनी प्रशंसा सर कि हम ऐसा तो अभी जीवन में नहीं देखा। माता रानी इन सभी परिवार को, सभी स्टाफ को सर जय जयकार रखे, इनकी सभी बाल बच्चा सुखी संपन्न रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।